आज बनाएंगे चिल्ली सोयाबीन, जो कि इंडो चाइनीज रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए आज की रेसिपी देखते हैं। सोयाबीन उबालने के लिए पैन में पानी लेंगे, उसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम हो चुका है, एक चम्मच नमक देंगे। पानी उबल चुका है, इसमें सोयाबीन डालेंगे, उसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सारा सोयाबीन अच्छी तरह से उबल जाए। सोयाबीन अच्छी तरह से उबल गया है, अब इसे छान लेंगे। सोयाबीन को हल्के हाथों से चम्मच से दबाकर पानी निकाल लेंगे। थोड़ा नमी रहने देंगे ताकि जूसी बने। अब इसे मैरिनेट करेंगे। तीन चम्मच मैदा, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, दही दो चम्मच, तेल दो चम्मच, रिफाइंड ऑयल दिए, अब जो खाते हैं दे सकते हैं। अब इसे मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसे 10 मिनट रेस्ट में रखेंगे। 10 मिनट हो चुका है, सोयाबीन फ्राई करेंगे। पैन में रिफाइंड ऑयल लिए हैं, इस तरह से सोयाबीन डालेंगे, अलग अलग डालेंगे ताकि एक दूसरे में चिपके नहीं। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, इसे गोल्डन होने तक पकाएंगे। गोल्डन हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बचा हुआ सोयाबीन डाल लेंगे। सोयाबीन गोल्डन हो चुका है, अब इसे भी निकाल लेंगे। चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। पैन में रिफाइंड ऑयल 3 चम्मच लेंगे, 3 से 4 इंच अदरक कटी हुई, 8 से 10 कली लहसुन कटी हुई, 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़े प्याज का पंखुड़ी लेंगे, 1 शिमला मिर्च रेड कलर के, ग्रीन येलो कैप्सिकम देंगे। आपको जो पसंद है कैप्सिकम दे सकते हैं। इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1 चम्मच, चीनी 2 चम्मच,
सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, विनीगर 1 चम्मच, रेड चिली सॉस 2 चम्मच, टोमेटो सॉस 2 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते रहेंगे ताकि पैन में चिपके नहीं। इसमें सोयाबीन डालेंगे और थोड़ा सा पानी देंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। एक मिनट के लिए ढक कर पका लेंगे। सोया चिली बन के तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। नूडल्स, राइस, रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।